मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने एक और मौका हमें दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 23 उसका 5 और 6वां वचन हम पढ़ें। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। आपको ध्यान होगा, कल हम जो वचन मनन कर रहे थे उसमें हमने ध्यान दिया कि कैसे हमें अपने चरवाहा जो हमारे आगे आगे चल रहा है, हमें कैसे उस चरवाहे पर पूरा भरोसा करना है। ये हमारे आत्मिक जीवन की आशीष के लिए अति आवश्यक है, तभी हम इस मसीह जिंदगी का आनंद को या मधुरता को चख पाएंगे। हमने जो आज जो वचन पढ़ा है वो भी इसी संदेश को हमारे सामने लाता है कि हमारा अपने चरवाहे के ऊपर कितना भरोसा है। ये पूरे भजन संगीता का सार हमें यही बताता है कि जैसे एक छोटी सी भेड़ अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा करती है, उस भेड़ के लिए उसका चरवाहा सब कुछ है, वैसे ही हमारे साथ भी वैसा ही होना है। ये छोटी सी भेड़ का पूरा जीवन अपने चरवाहे के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका चरवाहा ही उसे सच में प्यार करता है और उसके लिए चिंता करता है और उसका देखभाल करता है। बेशक हम अपने आप को इस भेड़ के स्थान पर रखते हैं तो भी हम इस भजन का आनंद तभी चख पाएंगे अगर हम भी अपने प्राण के रखवाला या चरवाहा के ऊपर इस भेड़ की तरह हम आश्रित हैं। इधर आज जो हमने वचन पढ़ा उसको जरा ध्यान दे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। कई बार हम जब इस वचन को पढ़ते तो हमें लगता है कि शायद जो लोग हमसे दुष्टता करते हैं उनके सामने परमेश्वर मेरा सिर ऊंचा करेगा। दाऊद के विषय में शायद ये ठीक होगा, लेकिन हम जो नए सिरे से जन्म लिए हैं, क्या हम भी पुराने नियम के संतों की तरह हमारे भी सोच उतनी ही है? अगर हम उनकी तरह सोचते हैं तो हम विश्वास में स्वर्ग जब हमें देखता है तो हमें छोटे शिशु के तौर पर, छोटे बच्चे के तौर पर ही देखेगा। हम जो मसीह के साथ स्वर्ग में बिठाए गए हैं, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, हमें अपने सोच में और अपने कर्मों में हमें कितनी और समझदारी दिखानी है। हमारे आसपास जो लोग हमें सताते हैं हम उनके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि हमारे प्रभु ने स्वयं कहा है, हमें चौकस किया, अगर प्रभु को संसार ने प्रेम नहीं किया तो हमें कहां, हम संसार को अपना दुश्मन के तौर पर ना देखें। वो भी हमारे भाई हैं जिनकी आंखों को दुश्मन शैतान ने अंधी की है और वो पाप के गुलाम है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें बचाया, उधार दिया, हमारी आंखों को खोला ताकि हम चीजों को एक दूसरी तरीके से देखें। हमारी सोचने का पूरा प्रक्रिया ही बदल गया क्योंकि नए सिरे से हम जन्म लिए हैं। इधर वचन कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हमें इस बात को समझना है कि हम दुश्मन के स्थान में, क्षेत्र में हम रहते हैं और वो दुश्मन और कोई नहीं वरन शैतान और उसकी दुष्ट की सेना है जो लोगों के ऊपर राज्य करती है, उनकी आंखों को बंद करके शरीर की अभिलाषाओं में, आंख की अभिलाषा में और जीविका के घमंड में उन्हें बांध कर गुलाम बनाती है। एक समय यही शैतान हमारे जीवन के ऊपर भी राज्य करता था जब हम सत्य से वंचित थे और हम पाप में मजा करते थे, लेकिन हमें परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए जिसने हम पर अनुग्रह किया
और पाप के बंधन से हमें आजाद किया और हमें नया सृष्टि बनाया और हम उस पवित्र संगत के एक भागी हो गए। और अब जो मेज हमारे चरवाहे ने हमारे सामने तैयार किया है, दुनिया जो मेज का आनंद लेती है उससे कितना भिन्न है। हम कई बार संसार की आशीषों को अपना मेज या बड़ा खाना समझते हैं और सोचते हैं परमेश्वर हमें अविश्वासियों के सामने संसार के धन दौलत देकर हमें बहुत आशीषित करेगा, उन लोगों के सामने जो हमसे नफरत करते हैं हमारे विश्वास के कारण। ध्यान रखें, परमेश्वर की आत्मा इस संसार के भौतिक आशीषों को कूड़ा करकट समझती है, जिसकी कोई कीमत नहीं और समय बीतते बीतते वो सड़ जाता है। यहां पर वचन साफ साफ कहता है कि चरवाहे ने हमारे शत्रुओं के सामने मेज तैयार किया है। प्रभु यीशु ने दुश्मन के सामने हमें जय दिया है ना, वही दुश्मन जिसने हमें गुलाम बनाया था, पाप के द्वारा और मृत्यु के भय के द्वारा हम पर राज्य करता था। परमेश्वर का धन्यवाद देना है उस बड़े जीत के लिए जो हमें मसीह यीशु में मिला है। हम आजाद हुए और हमारे सामने प्रभु ने कितना बड़ा भोज तैयार किया है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर ने आशीषित किया, कितने बहुमूल्य वायदे हमें दिए और हमने उसे खाकर तृप्त होना है और स्वर्गीय स्वभाव के सहभागी होना है और इस संसार के नाश से हमने बचना है जो मोह के द्वारा उत्पन्न होता है। हम जब इन आत्मिक आशीषों को खाते हैं हम उतना सिद्धता में बढ़ते हैं और प्रभु के उस कद तक बढ़ते हैं और परमेश्वर के वारिस होने तक हम बढ़ सकते हैं। हमारे महान चरवाहे के महानता को जरा देखें, हमारे शत्रु के सामने मेज तैयार किया है और वही शत्रु जो हमारे प्राण को खाने के लिए बैठा था। हमारे बड़े चरवाहे पर आश्रित होते हुए हमें ये बड़े भोज को आनंद के साथ खाना है, क्योंकि हमारा चरवाहा विश्वास योग्य है, हमें संभालता है। लेकिन दुख की बात, हम इस भोज का आनंद ले नहीं पाते क्योंकि हमारी नजर के सामने हमेशा ये दुश्मन है, वो हमें अपनी आंखों से डराता है। बेशक उसमें वो बल नहीं है हमें छू सकता क्योंकि हम अपने चरवाहे के देखरेख में हैं। कल हमने वो वचन पढ़ा, चाहे मैं मृत्यु की वादी से घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। लेकिन हम अपने आप को जांच कर देखें, कितने बार ये मृत्यु की वादी, घोर अंधकार की वादी में हम कांपते हुए खड़े हैं क्योंकि हमें दुश्मन की आवाज, उसकी भयावक आवाज ज्यादा सुन पड़ती है। अपने चरवाहे की उपस्थिति और उसकी पैर की आहट हमें सुनाई नहीं दे रही क्योंकि हम बहरे हो गए, लेकिन दुश्मन की आवाज हमें बड़ी जल्दी सुनाई देती है। और इस विश्वास के मार्ग में हम कितनों के लिए ठोकर का कारण भी बन गए। एलिशा भविष्यद्वक्ता का दास, हमने पिछले दिन मनन किया कैसे वो डरा हुआ था जब उसने दुश्मन की फौज को अपने चारों तरफ देखा, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली वो दिलेर हो गया। एलिशा भविष्यद्वक्ता की तरह वो दिलेर हो गया क्योंकि उसको समझ में आ गया कि हमारे साथ जो है वो संसार में जो है उससे भी शक्तिशाली है और परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। आइए इन दिनों में हम भी यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी समझ को खोले, हमारी आंखों को खोले, ताकि हम अपने चरवाहे की उपस्थिति को अनुभव करें और जो मेज हमारे सामने रखा है उसका आनंद हम ले पाए। ध्यान रखें, हम मसीह में, मसीह ने हमें सारे शत्रुओं के ऊपर जयवंत कर दिया है। आखिरी दुश्मन मृत्यु के ऊपर भी मसीह ने हमें जय दिलाया है। दुश्मन हमें डराने का कोशिश करेगा परीक्षाओं के द्वारा, निराशाओं के द्वारा,
कमजोरी, समस्याएं, बीमारी, और हमें शायद लगेगा कि ये सब हमें बर्बाद कर देंगे, लेकिन आइए हम अपने प्रभु पर भरोसा करें। संसार की कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम संसार के सबसे सुरक्षित जगह में हैं, और वो जगह है परमेश्वर की उपस्थिति। अगर हम प्रभु में बने रहें, पूरे दिल से, सच्चे मन से प्रभु पर आश्रित रहें, तो हम भी ये भजन संहिता का आखिरी वचन बड़े आनंद से गा पाएंगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। हमें इस संसार के भौतिक आशीषों के लिए परेशान होकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ है। चाहे मृत्यु के उस वादी से हम मुकर जाए तो भी भलाई और करुणा की कभी कमी नहीं होगी। सो आइए मसीह जीवन का उस आनंद को हम पूरा अनुभव करें। बेशक हम दुश्मन के क्षेत्र में हैं तो भी मसीह जीवन का आनंद, परमेश्वर के साथ की उस संगति का खुशी प्रभु ने हमारे लिए रखा है। इस चरवाहे के पीछे पीछे हम अपने जीवन के अंत तक हम चलें। प्रभु उसके लिए हमें मदद करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। बाप आप हमें कितना प्यार करते हैं। कितने बार आपकी आवाज सुनने के बजाय हमने दुश्मन की आवाज को सुना है, उसने हमें डराया, निराश किया, हम कितनों के लिए कई बार ठोकर का कारण भी बन गए, लेकिन आज फिर आप हमसे बात कर रहे हैं आपके पैर की आहट को सुनते हुए, आपके उपस्थिति के उस धन्य शांति और खुशी को अनुभव करते हुए, आनंद के साथ, जय जयकार के साथ अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए हमें सहायता कर। जैसे आप प्यार करते हैं, कोई हमें कभी प्यार नहीं कर पाएगा। आपके प्रेम के उस गहराई को न समझते हुए, आपको प्यार करते हुए आनंद के साथ अपना दौड़ पूरा करने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।